एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बागपत के ब्लॉक बिनोली में स्थित मोहम्मद नागल गांव पड़ा। लगभग 6000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 42 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 17 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान स्वाति पवार हैं, जिन्हें ग्रामवासियों ने अपना प्रधान चुनकर गाँव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। लगभग 4350 वोटर वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसित है। गाँव में 350 राशन कार्ड धारक है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी पाठशाला में लगभग 140 बच्चे अध्ययनरत हैं। इसी के साथ ही गांव में विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 175 विद्युत पोल, 6 विद्युत ट्रांसफार्मर व 50 सोलर लाइट भी लगवाई गई है तथा पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 19 हैंडपंप लगवाए गए हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान ने गांव में खडंजे, 5 सीसी टाइल्स रोड, पानी निकासी के लिए नाली, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत 125 इज्जत घरों का निर्माण भी कराया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में पानी की टंकी, तालाब, पशु चिकित्सालय, बिजली घर, खेलने का मैदान, नदी पर पुल, आंगनबाड़ी केंद्र, बारात घर, पंचायत घर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर, सीसी टाइल्स रोड व खडंजे के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम पंचायत मुजीजाबाद नांगढ़ प्रधान पति हरिंदर सिंह और अपना ब्लॉक बिनोली थाना डोगट तहसील बड़ौद जिला बागपत उत्तर प्रदेश है। हमने अपने योजना में 5 इंटरलॉक नली क्रॉसिंग, नाला गंदगी पूरे समूचे गांव में सफाई और नली क्रॉसिंग करवाई। सरकार की तरफ से हमारी कुछ और मांगे भी है, इसमें गांव में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है, एक तो यह चाहिए। टंकी, पानी की टंकी खराब है, उसकी मरम्मत होनी चाहिए और गांव में अपना खुद का कोई कार्यालय पंचायत घर नहीं है, उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। यह सरकार गांव में जितनी धनराशि आवे उससे पर्याप्त मात्रा में विकास नहीं हो पा रहा है, इसमें और अधिक धनराशि की आवश्यकता है तथा और स्कूल के लिए अलग से बजट चाहिए जिसमें कि बच्चों की समुचित सही तरीके से पढ़ाई लिखाई हो सके, इन्हें घर ना बैठना।